माई ब्यूटिफुल सोल फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके दिलो दिमाग पे जो छाए हुए पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करेंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, ठीक है। और ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे कि वो आखिर आपके बारे में सोचते क्या है, ठीक है। आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ और क्या बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं वो, इस रिश्ते में आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसा हो सकता है कि अब जो आप इम्प्रूवमेंट करोगे, हो सकता है उस वजह से आप दोनों के बीच में और भी बाउंडिंग स्ट्रांग हो जाए, और भी वो आपके तरफ आने लगे, और भी आप दोनों के बीच में जो पैशन है, ठीक है, जो भी कनेक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कुछ रेमेडीज़ आएंगे, कुछ गाइडेंस आएंगे आपके इस रीडिंग के लिए, आपके इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लो कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट या फिर कोई भी रीज़न हो, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है, और ये पर्सन का इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, मतलब वो अभी क्या सोच रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे, आपको कैसा ट्रीट करेंगे, क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर है या नहीं। तो मैं 5D मैसेज लेकर भी आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स जो है आप दोनों को क्यों मिलवाया है, और आप दोनों का क्या कनेक्शन है, और फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या ये आपके साथ हमेशा रहेंगे या बीच मझधार में आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्या ये पर्सन सच में आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं या सिर्फ बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता चलेगा। दूसरी बात, आपकी जो भी होप्स हैं, जो भी उम्मीदें हैं इस पर्सन को लेकर, ठीक है, जो भी आप सपना सोच रहे हो इस पर्सन को लेकर, क्या वो सारे सपने पूरे होंगे भी या नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको मैं बहुत डिटेल से अच्छे से समझाऊंगी, रीडिंग आपकी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। सो चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई भी नंबर मिले तो अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है, वो सारे लोग स्कैमर है, फ्रॉड है। और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच सकते हो, ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। रीडिंग आपकी टाइमलेस होगी, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं बेझिझक। चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे आप मैरिड पर्सन हैं या फिर डिवोर्स हुआ है, फिर कुछ भी है, आप आराम से देखिए अपने क्रश के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपने लव पार्टनर के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रिजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं, ओपन माइंडेड होकर देखना है। एंड वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे आपका कर्म भी अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों की मदद करोगे। उसके साथ सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप वीडियोज़ को पहले ही लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को अपना नंबर कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। नंबर पे जो है आपका कार्ड है, सो दिस इज़ फॉर नंबर 1, हारमोनी का कार्ड है। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग कार्ड को सेलेक्ट कर पाएं। दिस इज़ फॉर नंबर 1 एंड नंबर 2 के लिए है दिस वन, दोनों ही 6 नंबर का कार्ड है। दिस इज़ फॉर नंबर 2, ऑलराइट। सो आपको ना इंटिट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीजस सला वाहे गुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो नंबर 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल हारमोनी कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि आपके जो मन में चल रहे पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग करते हैं, आप उस पर्सन के लिए एक्चुअली में हो कैसे, वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के मन में जो चल रहे पर्सन हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन ऑलराइट, और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ऑलराइट। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि यहाँ पे आप दोनों का ऑन ऑफ, ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन चलता है, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे ये मैसेज है,
हो सकता है कि आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं या फिर आपके पर्सन के मन में जो चीज़ें चल रही हैं, ना तो आप समझ पा रहे हो ना तो वो समझ पा रहे हैं आपकी फीलिंग को। स्पेशली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा डिलेमा, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में खुद भी है और आपको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसी वजह से आप परेशान हो जाते हो। कभी वो बातें करते हैं तो शायद आप बहुत अच्छे से बातें करते हैं और कभी जब बातें नहीं करते हैं तो बिल्कुल आपके आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है, आपसे एकदम दूर हो जाते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लॉक ही कर देते होंगे, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि वो कॉल मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है ना ऑन ऑफ का सिचुएशन चलता बहुत ज़्यादा है और इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी होता है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी आप किसी प्रोमिसेस के बारे में बोलते हो कि चलो तुम मुझे कमिटमेंट दे दो या फिर कुछ भी, तो हाँ एक टाइम के लिए वो पर्सन रेडी हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, फिर दूसरे वक्त वो बिल्कुल उसी चीज़ से मुकरने लगते हैं जो उन्होंने खुद कहा, जो उन्होंने खुद कमिटमेंट दिया उससे मुकरने लगते हैं। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो आपको क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं देते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला करेंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दिया तो मुझे लगा कि ऐसा बता देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है और ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताते चली जाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये भी है कि खुद भी ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अभी वो पर्सन आपको पूरी तरह तो नहीं समझे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कभी आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अच्छे लगते हो, ठीक है, कभी इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, कभी इनको ऐसा लगता है कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें इनके मन में चलते रहती हैं, ठीक है। आपके पर्सन ऐसी ऐसी बातें इनके मन में आ रही है, स्पेशली करेंट फीलिंग मुझे यहाँ पे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है, ठीक है। वैसे क्या क्या सोचते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो इनको ये क्लियर लगता है कि आप इनके क्या हो, सोलमेट पार्टनर हो, ठीक है। चाहे ये मैरिड हो, किसी और से शादी किए हो, या फिर आप मैरिड हो किसी और से शादी किए हो, ठीक है, आप सिंगल हो, मिंगल, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये पर्सन आपको जो है ना अपना सोलमेट मानते हैं। जैसे कि कभी भी आप दोनों के बीच में बातें होती हैं तो जो बातें होती हैं ना इनको बहुत ज़्यादा हील करती है, ठीक है। तो क्या हो गए, आप इनके लिए एक हीलर हो गए, तो ये आपको अपना एक हीलर मानते हैं, अपना एक अच्छा दोस्त मानते हैं, अपना एक अच्छा सोलमेट पार्टनर मानते हैं, ठीक है। मतलब इनको ऐसा फील होता है कि जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अपना फैमिली इशू चल रहा हो या फिर कोई ट्रॉमा बाउंडिंग चलता हो इनके अपने पार्टनर के साथ जिससे शादी हो गई है। तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब अपने फैमिली में रहते हैं या फिर किसी और के साथ होते हैं बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन जब ये आपके पास होते हैं तो ये आपको खुद ही बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारे होने के वजह से मेरे लाइफ में ज़िंदगी है, अच्छी है, मीनिंगफुल है और हार्मनी है, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे बिना तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ये पर्सन क्लियरली कहना चाहते हैं। आप कार्ड ही खुद देख सकते हो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना स्ट्रांग फीलिंग है इस पर्सन के मन में आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पे ये खुद ऐसा कहना चाहते हैं कि पहले मेरी ज़िंदगी क्या थी, बिल्कुल मतलब ऐसा था कि खुशियाँ नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता था, ट्राई करता था, नहीं मिलती थी मुझे खुशियाँ, ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो या जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, तो यहाँ पे ये खुद ही कहना चाहते हैं कि तुम्हारे आने के वजह से मेरे लाइफ में हीलिंग हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उनके हाथ को टच कर रहे हो, एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, तो ना एक ऊर्जा जैसा यहाँ पे प्रदान होता है, ठीक है, निकलता है, तो कुछ क्रिएटिव होता है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और यस, डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन सच में बहुत ब्यूटीफुल है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और सोलमेट तो आपको पता होगा कि बहुत टाइप के सोलमेट होते हैं और सोलमेट में ऐसे होते हैं जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा फील करते हो, ठीक है। और हो सकता है कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, टैरो रीडिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो इनको पता है कि तुम्हारे साथ ऐसा फील होता है और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सोलमेट हो, तुम मेरे सोलमेट हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियरली कहना चाहते हैं कि जो फीलिंग मैंने पास्ट में या फिर अपने करेंट पर्सन के साथ रह के नहीं किया, वो फील मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, ठीक है। और जब भी बातें होती हैं तो उस समय आप इस पर्सन को हील करते हो, आप इनके एक डॉक्टर जैसा हो, ये भी ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है कि आपके नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस करते हैं जो कि इनको बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसे हो सकता है कभी पास्ट में रहे हो रिलेशन में या फिर किसी और से मैरिड है,
ठीक है, तो कभी भी वो उनकी वाइफ होगी या हस्बैंड होगी, कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे या सुनते नहीं होंगे, लेकिन आप जब से इनके लाइफ में आए हो सब कुछ बदल गया है। ठीक है, आपने इनकी बहुत रिस्पेक्ट की, इनको माफ़ी दी, इनको समझा। ठीक है, आप दोनों के बीच में रिलेशन में भी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, थोड़ी बहुत तू तू मैं होती है या फिर ऑन ऑफ ये करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, क्लियरली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक दिल के बहुत अच्छे पर्सन हो, एकदम दिल से ये आपको मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आपके बारे में ख्याल आता है या फिर आपकी बातें होती हैं, इनके मन में सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में चलते रहती हैं बातें, तो ये दिल पे हाथ रख के सोचते हैं थैंक यू सो मच गॉड इस पर्सन को मेरे लाइफ में भेजने के लिए। तो ये बहुत ग्लैड फील करते हैं आपके होने की वजह से और बहुत ग्रेटफुल है। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तुम ही वो पर्सन हो जिससे मेरा झगड़ा भी होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। तुम खुद मेरे पास आती हो, मुझे माफ़ भी कर देती हो, मुझे माफ़ भी कर देते हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत इनको अच्छा लगता है। ऑलराइट, तो ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस है। आप दोनों कभी अलग नहीं हो पाते हो, हमेशा एक रहते हो। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, ये भी इनको पसंद है कि आप जो है हमेशा इनको मनाते हो, झगड़ा भी हो जाता है, हमेशा कॉल करते हो, मैसेज करते हो, चेक करते हो ये पर्सन ठीक है भी या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इनके दिल को जीत लेती है जो भी ये एक्टिविटी आप करते हो। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी है। समझदारी कहने का मतलब है सिर्फ रिलेशन को नहीं लेके, बल्कि फैमिली को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज़ को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी है। किसी भी चीज़ को लेकर आप आग बबूला नहीं हो जाते हो, बहुत गुस्सा नहीं हो जाते हो, आप चीज़ों को समझते हो। जैसे कि कभी कोई वॉर सिचुएशन आ गया तो आप ना एकदम गुस्से में नहीं आ जाते हो या फिर हड़बड़ा नहीं जाते हो, एंजस नहीं हो जाते हो। आप क्या करते हो, पहले सिचुएशन को समझते हो। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर जो है, जैसे कोई भी स्टेप लेना बहुत काइंडली एंड काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मैनर में, ये इनके दिल को जीत लेता है। ठीक है, तो मतलब आप एक योद्धा जैसा हो, एक फियरलेस पर्सन हो इस पर्सन के नज़र में। ठीक है, ये खुद कहना चाहते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, चाहे आप मेल देख रहे हो फीमेल। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन क्लियरली कहना चाहते हैं तुम दिल से भी बहुत अच्छे हो। और कुछ लोग ऐसा होता है ना, ऐसा सोच लेते हैं कि दिल से बहुत अच्छी है, सॉफ्ट हार्टेड है, तो ये बहुत मतलब टूट भी जाएगी बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है आपके अंदर, यहाँ पे आपके पर्सन को पता है कि आप जो है सॉफ्ट हार्टेड भी हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी बुरा नहीं मानते हैं। ठीक है, आप चीज़ों को पहले समझते हैं, तो ये चीज़ इनको आपके अंदर पसंद आता है। ठीक है, ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया है। उसके बाद और क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप भी कभी कभी ऑन ऑफ करते हो, इनको शो ऑफ करके दिखाते हो, तो ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे है टेक अ स्टेप बैक। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि कभी भी आपके पर्सन जो है आपको ये कह देते हैं कि अब हम अलग हो जाते हैं, अब हम बात नहीं करेंगे, तो आप तुरंत जो है अलग हो जाते हो। ये चीज़ भी इनको पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में थोड़ा सा एफर्ट लगाओ रहने के लिए। ठीक है, तभी तो इनको समझ में आएगा ना कि आप भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, वैसे इनको पूरी तरह पता है, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि मैं जितना एफर्ट लगाता हूँ उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट तुम्हें लगाना चाहिए। और सभी के साथ ऐसा होता है, सभी लोग चाहते हैं कि मेरे पार्टनर की तरफ से ज़्यादा एफर्ट रहे, तो वही चीज़ आपके पर्सन नोटिस करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आपके पर्सन ये भी आप अंदर नोटिस करते हैं कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, टेंशन आता है, कोई झगड़ा आता है या फिर आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा दिया, तो आप जो है ना उस सारी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि आप अपने पीस को मेंटेन करते हो और वहाँ से हट जाते हो। तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन को पसंद है आपके अंदर। ठीक है, उसके बाद है पावर एंड इंटेंशन का कार्ड। सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि आपके इंटेंशन के बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं। ठीक है, इनको क्लियरली ऐसा लगता है, हो सकता है कि सामने से आपने इस पर्सन को प्रपोज नहीं किया है रिलेशनशिप के लिए या फिर मैरिज के लिए, लेकिन इनको क्लियरली ये पता है कि आप इनसे बेनतहा प्यार करते हो, बहुत ही ज़्यादा लव करते हो, और ये जानते हैं कि आपका क्या इंटेंशन है। इनको पता है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप 24/7 इस पर्सन के साथ रहो, उनके बाहों में रहो। ठीक है, तो आपका सपना जो है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है, और इस पर्सन को लेकर जो भी सपना है इन सब सारी चीज़ें इनको पता है आपको लेकर। ठीक है, ये चीज़ है। तो इंटेंशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि क्या आपके इंटेंशन के बारे में आपके पर्सन को पता है या नहीं, या फिर आपको समझते ही नहीं है, तो अगर हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन दिखावा करते हैं कि मैं तो तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारे इंटेंशन को नहीं समझता, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सब कुछ उस पर्सन को पता है।
हो सकता है कि वो ऐसा दिखावा करते हैं कि मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपके इंटेंशन के बारे में सब कुछ जानते हैं, आप कितना प्यार करते हो, कितने परसेंटेज प्यार करते हो, वो भी इनको पता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आप उस पर्सन के लिए कुछ भी कर गुजरोगे, ये भी इनको पता है, क्योंकि हो सकता है आपने वो एफर्ट लगाया है इस पर्सन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साथ साथ जब आप लोग होते हो ना, तो इस पर्सन को बहुत पावरफुल सा फील होता है, मतलब ऐसा फील होता है कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, अगर मैं दुनिया में अकेला भी हो जाता हूँ या अकेली भी हो जाती हूँ, तो कोई रहे या ना रहे, ये ज़रूर रहेगा, ये ज़रूर रहेगी मेरे लाइफ में। तो जब भी ये आपको देखते हैं, तो इनको एकदम एक स्ट्रेंथ जैसा, एक हिम्मत जैसा, एक पावर जैसा फील होता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आप इनके लाइफ में कैसे हो, आप इनके लाइफ में एक लीडर जैसे भी हो, और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ये चाहते हैं कि आप डोमिनेंट रहो, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, कभी नहीं चाहते कि रिलेशनशिप में सामने वाला पार्टनर डोमिनेंट रहे, हमेशा वो चाहते हैं कि मैं डोमिनेंट रहूँ, ठीक है। तो लेकिन आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाओ, समझो, डोमिनेंट रहो, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसको लगते हो, आपके जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। उसके बाद लिसन डीपली, एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे लव लाइफ में रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन में रहे हो, या शादी हुआ हो, या फिर कुछ भी, ये पार्टनर में के साथ पहले रहे हैं, टाइम स्पेंड किए हैं, लेकिन कभी भी इनको ऐसा फील नहीं हुआ किसी भी पार्टनर के साथ कि मुझे कोई इतना डीपली समझ रहा है जितना आपने इस पर्सन को डीपली समझा है, जितना आपने इस पर्सन को समय दिया है, ठीक है, और डीपली सुनते हो। तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद है आपके अंदर, कि आप एकदम एक यूनिक पर्सन हो, आप एकदम डिफरेंट पर्सन हो इनके लिए। हो सकता है दुनिया के लिए हो या ना हो, लेकिन इनके लिए डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी हर एक बातें सुनते हो, समझते हो, ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना सोचते हो। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सेल्फिश होते हैं, ठीक है, सेल्फिश इस मामले में होते हैं कि तुम मुझे प्यार कर रहे हो तो मैं ही तभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ठीक है, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, मुझे सरप्राइजेस दे रहे हो, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए मीठा मीठा बातें कह रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। नहीं करने से या समय नहीं देने से किसी कारण के वजह से वो गुस्सा हो जाते हैं और ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा आपके बारे में नहीं सोचते हैं। आप इनको सेल्फलेस टाइप पर्सन लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ समय नहीं भी देता हूँ, मैं बिजी भी रहता हूँ कुछ कारण की वजह से, तो भी ये पर्सन भी जो मेरी जो पार्टनर है वो समझती है इस बात को, ठीक है, मेरी बातों को लिसन डीपली, मतलब बहुत गहरे से जाकर सुनती है, और इसी वजह से इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील होता है। ये बहुत ज़्यादा आपके साथ डीप कनेक्शन फील करते हैं। बार बार आप कार्ड में देखोगे तो ये जो पर्सन है, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो अपने दिल पे हाथ रखते हैं, वो ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच, मुझे ऐसे पर्सन से आपने मिलाया, ठीक है। तो यस, ये हमेशा ही चाहते हैं, चाहे आप इनसे शादी करो या ना करो, डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ हमेशा हर एक पल रहो, ठीक है, इनकी खुशियों में भी रहो, और कभी ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे, ठीक है, तो एकदम रहो उस वक्त, एकदम ही रहो, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब मैं परेशान रहता हूँ या टेंशन में रहता हूँ तो मुझे कोई इतना सुनता नहीं है जितना तुम सुनती हो, और कोई समझ भी नहीं सकता जितना तुम मुझे समझती हो। ये क्लियरली ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, तो ये है कंटेंटमेंट एंड जॉय का कार्ड है। तो यस, इनके लाइफ में जब से खुशियाँ आई हैं उसके सबसे बड़े रीज़न तो आप हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा होना, पैसे मिलना, धन दौलत मिलना, अबंडेंस मिलना, सब सारी चीज़ों के वजह से खुश हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है खुश रहने का वो हो आप, ठीक है। ये पर्सन आपको एक एक एंजल की तरह समझते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इंसान तो हैं लेकिन एक एंजल ही है, एंजल का ही रूप ये पर्सन आपको मानते हैं, इसी वजह से, क्योंकि आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए हो, इनको बहुत समझते हो, प्यार करते हो। देखते हैं कि और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में। दिस वन, वाओ, दैट्स ग्रेट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, वाओ, दिस वन, ओके। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन आपसे ना हमेशा कभी कभी कॉर्ड कट कर लिया करते हैं, कट द कॉर्ड, कभी आप कॉर्ड कट कर लेते हो या कभी वो कॉर्ड कट कर लेते हैं, मतलब कि क्या होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो सबसे बुरा चीज़ इनको यही लगता है कि हमारे बीच में झगड़ा क्यों होता है, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है ये चीज़ फाइंड आउट करने की कि आखिर हमारे बीच में झगड़ा क्यों हो जाता है।
ठीक है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अचानक से जब झगड़ा होता है या फिर कभी आप इनको कुछ कह देते हो तो इनको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचता है, क्योंकि ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमारे बीच में कोई झगड़ा हो जाए या फिर आप इनको कुछ बोल दो गलती से भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जब से आप इनके लाइफ में आए हो, इनका दिल, ठीक है, बहुत नाजुक हो चुका है, क्योंकि आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा पैम्पर किया है ना, इतना ज़्यादा प्यार किया है कि ये उस चीज़ के आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। अगर आप इस पर्सन के लाइफ से सोच रहे हो कि चले जाओगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा तनहा हो जाएंगे, बहुत अकेले हो जाएंगे, टूट जाएंगे, पहले से भी हो सकता है इनका सिचुएशन बहुत वर्स हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके मन में ये चलते रहता है ना कि ये पर्सन कहीं मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ये पर्सन छोड़ के जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने इस पर्सन को पूरी तरह एडिक्टेड बना लिया है, ठीक है, पूरी तरह अपने तरफ आकर्षित कर लिया है हर एक तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ये कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ठीक है। और अगर कट करने की बात की जाए तो एक दो इशू हो सकता है, जैसे फैमिली का इशू हो सकता है, ठीक है, समाज में आप दोनों के रिलेशनशिप का, मतलब सब कोई देख ले, सब कोई जान ले, इसका डर इस पर्सन को हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से हो सकता है कभी कभी ये दूर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन दूर होना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको आप बहुत डिफरेंट लगते हो। थ्री कार्ड्स और है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस लगते हो, बहुत ब्रेव पर्सन लगते हो, ठीक है, मतलब हो सकता है पहले भी ये रिलेशन में रहे हो, लेकिन इतनी बोल्ड और इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है कोई भी लाइफ के सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, किसी भी तरह के वर्स से वर्स सिचुएशन को, बैड से बैड सिनेरियो में रह के भी आप बहुत ज़्यादा करेजियस रहते हो, ये चीज़ इन्होंने देखी भी है अपने आँख से। हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा होगा, या तो उस वक्त भी आपके साथ होंगे, या फिर हो सकता है उस वक्त मिले हो, तो जब भी आपके लाइफ में सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ है जब आप बहुत परेशान रहे हो, उस वक्त रहे हैं, और उस वक्त रह के आपको देखा है इस पर्सन ने, आपके ब्रेवरी को, आपके करेज को, कि आप कैसे सारे लोगों को हैंडल करते हो, अपने बच्चे को, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर सिंगल हैं, मिंगल हैं आप, जो भी हैं, तो आप अपने फैमिली इशू को या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हैंडल करते हो, ये सब कुछ इन्होंने देखा है, और इसीलिए ये पर्सन आपके लिए एक टाइटल लगा रहे हैं, करेज एंड ब्रेवरी का। आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा करेजियस लगते हो और बहुत ज़्यादा ब्रेव पर्सन लगते हो, ठीक है, जैसे कि एक योद्धा होता है, ठीक है, जैसे कि आर्मी मैन, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आप लगते हो। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हो, स्पेशली अगर फैमिली की बात आ जाए और प्यार की बात आ जाए तो आप कुछ भी कर गुजरने के लिए रेडी हो, वो एनर्जी आपके अंदर नोटिस करते हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि आपने इस पर्सन से वादा किया होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी या फिर कुछ भी करूँगा, तो ऐसे जब आपने वादा किया होगा तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है कि वाह, मुझे फाइनली कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो कि इतना ज़्यादा करेजियस है इस रिलेशन को लेकर स्पेशली, ठीक है। और उसके वजह से ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हारमोनी का कार्ड चूज़ भी किया है, हारमोनी का कार्ड फिर से आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ है कि आगे आने वाले टाइम में भी कभी आप दोनों का झगड़ा भी होगा ना, तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कभी भी आप लोग जो है तन्हा नहीं रहोगे या अकेले नहीं रहोगे, हमेशा साथ रहोगे, और आप दोनों के बीच में हमेशा इस तरह से खुशियाँ होगी, इस तरीके से आप दोनों साथ रहोगे, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए या फिर कितना भी लोग आप दोनों को अलग कर दे, लेकिन आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है, फ्रेंडशिप का कनेक्शन है, वो हमेशा बना हुआ रहेगा, ठीक है। आप दोनों साथ में, हो सकता है कि कुछ अलग काम भी करो, कुछ एडवेंचरस काम करो, उस दौरान हो सकता है आप दोनों और भी बहुत ज़्यादा करीब आ जाओगे एक दूसरे के, तो यूनिटी है आप दोनों के बीच में, और कभी भी आप दोनों का लो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट होगा, रीयूनियन भी हो जाएगा। तो अगर करेंट फीलिंग की भी बात की जाए, तो अगर देखना चाहते हो कि क्या सोच रहे हैं, तो ये रीयूनियन का सोच रहे हैं, ठीक है, और कन्फ्यूजन भी बहुत है। कभी ऐसा सोचते हैं कि पूरी तरह हम कॉट कट कर लेते हैं, हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पर्सन उसके बाद आपके बिना रह भी नहीं पाते, तो इनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आप दोनों की रियूनियन होगी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। और सो देखते हैं कि और क्या इंटेंशन है, ट्रू इंटेंशन क्या है इस पर्सन का, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैंने आपको बता दिया कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, अब ये देखते हैं कि ये पर्सन जो है ट्रू इंटेंशन क्या है इस पर्सन का। ओके, ट्रस्ट द यूनिवर्स। देखिए, सबसे पहले ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स पे यकीन करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब इन्होंने, मतलब यूनिवर्स ने मुझे मिलाया है इससे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा
होगा हमारे बीच में, ठीक है, तभी तो मिलाया है, एक सोलमेट कनेक्शन है तभी तो मिलाया है, ऐसा फील होता है इस पर्सन को। दूसरी बात, यहाँ पे बी हम्बल, यहाँ पे ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में फाइंड आउट करने का बैलेंस, ठीक है, उसके साथ साथ ये पर्सन थोड़ा सा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको अभी के टाइम में हम्बल हो जाना चाहिए, थोड़ा सा काइंड हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत रूडली इस पर्सन से बिहेव किया है, इसी वजह से झगड़ा हो गया है। तो ये डेफिनेटली कोई स्टेप लेंगे, फाइंड आउट करेंगे बैलेंस, ठीक है, और अगर ये खुद बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किए हैं आपके साथ, तो उस चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा अपने मन में रिग्रेट है, अफसोस है, और ये वापस से अपने आप को इम्प्रूव करके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन का क्या इंटेंशन है आपको लेकर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या इंटेंशन है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का। सबसे पहले है विजडम, तो यहाँ विजडम का कार्ड है। विजडम कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो पहले इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा और जागरूक होना चाहते हैं, जैसे कि आपके साथ जो न्यू चैप्टर की ओपनिंग इस पर्सन ने की है, तो ये आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो चाहते हैं कि पहले इसको अच्छे से समझा जाए, ठीक है, उसके बाद ही जो है ये पर्सन कोई स्टेप लेंगे। मतलब अगर बात की जाए कॉल की, मैसेज की, तो डेफिनेटली ये कॉल मैसेज तो आपको करेंगे ही करेंगे, मे बी 5 डेज के अंदर ये कॉल मैसेजेस कर ले, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं देंगे, पहले ये पर्सन थोड़ा वेट करेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इंटेंशन इनका ये है, चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस हो, ये कभी भी ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, और देखते हैं कि क्या इंटेंशन है इस पर्सन का। सो यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का इंटेंशन है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है, मतलब कि आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप दोनों का घर बसे, आप दोनों साथ में रहो, कभी भी आप लोगों को सफ़र भी करना पड़े ना, तो कभी अकेले ना रहो, साथ में रहो, तो साथ में अगर सफ़र भी करोगे, परेशानियाँ भी आएगी, तो मिलके वो टाइम को आप लोग काट लोगे। तो यस, डेफिनेटली ये चाहते हैं, अगर इनका इंटेंशन देखा जाए तो ये क्लियरली चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो आपके साथ बस जाए, वो आपसे प्यार करें, आप दोनों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो साथ में, ठीक है। एक कार्ड और देखते हैं क्या है इंटेंशन इस पर्सन का। मेमोरीज ऑफ लव, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है, जो भी समय इन्होंने आपके साथ बिताया, वो सारी चीज़ें ये बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। अगर कोई झगड़ा हुआ है, फिर कुछ भी हुआ है, तो ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा तब भी आपको मिस करते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मेमोरीज ऑफ लव आपको क्लियरली ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कभी आपको भूल नहीं पाएंगे, वो आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। और देखते हैं कि क्या कार्ड है, क्या इंटेंशन है इस पर्सन का। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ऑल राइट, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि कभी आपने इस पर्सन को बताया होगा कि मेरी ये इच्छा है, मेरे ये सपने हैं, तो हो सकता है कि वो आपके सारे सपने पूरा करना चाहते हैं, ये भी इस पर्सन का इंटेंशन है। हो सकता है कि अभी वो उस लायक नहीं है उतना, या फिर एबल नहीं है कि वो सारे अपने सपने को भी पूरा कर दे, आपके सपने को, लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली आपके सपने को पूरा करना तो चाहते हैं, ये इंटेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या है देख लेते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पार्टनरशिप एंड, देखिए यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने बोला होगा कि चलो हम साथ में कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं, ठीक है, या फिर मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये बोले होंगे डेफिनेटली मेरा साथ रहेगा, ठीक है, हमेशा ही साथ रहेगा, मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ कुछ बिजनेस करूँगा, शुरुआत करूँगा, और या फिर तुम कुछ भी काम करती हो या शुरुआत करती हो, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बगल में हूँ, तुम्हें अगर फाइनेंशियली भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हेल्प करूँगा। एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग की कार्ड है, तो ये पर्सन जो है ना, हमेशा आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी रहते ही रहते हैं, ठीक है, ये कभी भी जो है आपसे मुंह नहीं मोड़ना चाहते। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है, इनकी फैमिली, बच्चे, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके वजह से ये पर्सन थोड़े से हताश हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि आपका क्या इंटेंशन है, आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोचते हो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो पर्सन है ना, ये थोड़े से रूड भी हैं, थोड़े से घमंडी भी हैं, ठीक है, पैसे का घमंड, ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है, होता होगा, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत, आप अपने आप को इन्फीरियर फील करते होगे इस पर्सन के सामने, ये भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि ये पर्सन धोखेबाज है, फिर कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम सोलमेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपकी ये इच्छा होगी कि मैं इसके साथ कहीं किसी दूर जगह पे, किसी दूर प्लेस पे जाके शिफ्ट हो जाऊँ, चली जाऊँ, मतलब ये सारे आपकी इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्स ये बता रहे हैं, ठीक है। आप हर एक टाइम, हर एक पल, आपका कोई ओकेज़न हो गया, त्यौहार हो गया,
तो या फिर बर्थडे पार्टी हो गया, फिर कोई स्पेशल डे हुआ, ठीक है, तो उस वक्त आप इस पर्सन के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो, किसी चीज़ में अचीवमेंट हुआ तो उसमें भी आप इस पर्सन के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। आप इस पर्सन के साथ अपनी फैमिली को बिल्डअप करना चाहते हो, फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, ऐसी आपकी इच्छा यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्स का क्या प्लानिंग है, यूनिवर्स जो है आखिर क्या चाहते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ट्रुथ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर थोड़ा भी अगर एक दूसरे को झूठ आपने बोला है तो वो सबसे पहले क्लियरिटी आएगी, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। क्लियरिटी आने के बाद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगनिंग का कार्ड भी आ चुका है, एंड यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों मिलकर कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हो या फिर कुछ अच्छे काम करोगे और साथ अपना हमेशा टाइम स्पेंड करोगे, उसके साथ साथ दोनों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगी साथ में। यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का भी कार्ड है, स्पिरिचुअल यूनियन कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपके जो यूनिवर्स है वो चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा साथ में रहें, और ये क्लियरली यहाँ पे कार्ड बता रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि यस, आप दोनों को अगर मिलाया गया है तो कोई ना कोई रीज़न है, और वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आप दोनों सोलमेट हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन की अनकही बातें क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या है इनकी अनकही बातें। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, सबसे पहले तो ये पर्सन यही कहना चाहते हैं कि मुझे डर लगता है कमिटमेंट देने से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है मुंह चुरा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे बात ये है, ये कमिटमेंट देने से इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनको ये भी लगता होगा कि कहीं किसी फैमिली इशू के वजह से हम दोनों अलग ना हो जाए, और जो मैं कमिटमेंट दिया हुआ रहूँगा तो फिर मैं ही जो है बहुत ज़्यादा सामने वाले के पर्सन मतलब नज़र में गिर जाऊँगा, मतलब आपके नज़र में वो गिर जाएंगे, इसलिए बहुत कुछ सोच समझ कर ही कमिटमेंट देना चाहते हैं। नथिंग एल्स मैटर बट यू, कुछ भी उतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं इस दुनिया में जितना तुम हो, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा बचाया है, सपोर्ट किया है, प्यार किया है, तो इस तरीके से ये पर्सन कहना चाहते हैं। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जो भी पिक्चर्स हैं या फिर हमने जो भी साथ टाइम स्पेंड किया, जो पिक्चर्स हमने कैप्चर किया, वो सारे पिक्चर्स मेरे फ़ोन में अभी भी हैं, वो सारी यादें अभी भी मेरे फ़ोन में है, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। हो सकता है कि किसी कारण के वजह से इन्होंने ट्रस्ट खो दिया है, तो वो कहना चाहते हैं कि मैं ट्रस्ट को रीगेन करना चाहता हूँ, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या चाहते हैं आपके पर्सन देख लेते हैं। आई टॉक टू यू लॉट इन माई हेड, तो तुम्हारे बारे में मैं हमेशा बातें करते रहता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोई पर्सन ही चाहिए, मैं अकेले खुद में भी बातें कर सकता हूँ तुम्हारे बारे में, अकेले ही बैठकर। उसके बाद और क्या कहना है इनका देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कभी दिखाया नहीं है, लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है स्टॉक करते हो, चेक करते हो कि किस तरीके से आप ड्रेसअप करते हो, आपकी क्या आउटफिट है, आप कैसे रहते हो, आपका क्या रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, वो सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है, और आपको बहुत पसंद भी करते हैं। देखते हैं इसके बाद क्या है। आई नीड मोर टाइम, ये पर्सन आपको और समझना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये पर्सन थोड़ा सा समय चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके होके रहेंगे। उसके बाद है यहाँ पे, योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई ओके। तो यहाँ पे ये इनका कहना है कि तुम्हारा जो प्रेजेंस है मेरे लाइफ में होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे लाइफ में रहो, ठीक है। मेरे लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया है तुम्हारा प्रेजेंस, तुम्हारा होना मेरे लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे है, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ कहीं घूमने फिरने को चले जाऊँ, ठीक है। ये छुप छुप के मिलना या फिर ऐसे बातें करना अच्छा नहीं लगता, मैं चाहता हूँ कि खुल के हमारे जो रिलेशन है सभी के सामने आए, ठीक है, और बहुत ब्यूटीफुल हो, सभी लोग इसको एक्सेप्ट करें और हम साथ में टाइम भी स्पेंड करें और लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो, ऐसा ये पर्सन फील करते हैं आपको लेकर। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस तरीके से आपके पर्सन जो है आपके लिए फील करते हैं, आपको लेकर सोचते हैं, ठीक है, और अपना छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है एंड आपका जीमेल है, देख सकते हो। और
चलते हैं, तब तक लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो नंबर टू, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल लव कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपके मन में जो चल रहे पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल लेने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। ठीक है, पर्सनल लिंक आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, ओके दिस वन, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ऑलराइट, दिस वन, ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इनके मन में जो चल रहे पर्सन हैं इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, वाओ दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एकदम सक्सेसफुल होने वाला है इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन। ठीक है, वैसे और देख लेते हैं, एक लास्ट कार्ड है आपका, वो है दिस वन, टू ऑफ एरियल। ठीक है, टू ऑफ एरियल है। एंड यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन हैं इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके ट्रू लव हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को फील करा ही दिया है कि आप इस पर्सन के ट्रू लव हो। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पर्सन आपके अंदर एकदम एक आईना देखते होंगे, मतलब ऐसा लगता होगा ना कि जैसा मैं हूँ, जैसे मैं हूँ एकदम मेरा पार्टनर भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। ठीक है, हो सकता है सेम सब्जेक्ट होगा आप लोगों का, सेम पसंद हो सकता है खाने का या फिर सॉन्ग्स का। ठीक है, या फिर कुछ भी आप पीते हो तो वो भी एकदम सेम होगा, सब कुछ सेम सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनको ऐसा लगता होगा, ओ माय गॉड, ये तो मेरी सोलमेट है, ये तो मेरा सोलमेट है। ठीक है, तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं दोनों तरीके से बोल देती हूँ ताकि किसी को भी कन्फ्यूजन ना हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आपके जो पर्सन है आप उनके आईना लगते हो, मतलब कि इनको क्लियरली ऐसा लगता है कि जब मैं खड़ा होता हूँ इसके सामने तो ये बिल्कुल मेरा ही रूप है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है उनका उनको उतना ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बारे में पता ना हो, लेकिन हाँ सोलमेट के बारे में तो सभी को पता होता है। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है ट्विन फ्लेम हो आप, इनके सोलमेट हो। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअली में है ना कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, क्योंकि एक जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, और सोलमेट कनेक्शन में तो आप जानते हो कैसा होता है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ब्यूटीफुल होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थोड़ा झगड़ा होता है, लड़ाई होते हैं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन रिश्ता होता बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम हाइयर फ्रिक्वेंसी में आप रहते हो, हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी में आप रहते हो। तो ये चीज़ है, तो इतना तो यहाँ पे क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो आपको अपना एकदम सोलमेट मानते ही मानते हैं। हो सकता है कि उनको उतना ज़्यादा नॉलेज ना हो ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बारे में, या और भी बहुत सारे टाइप होते हैं रिलेशन के, ना पता हो कनेक्शन का, लेकिन हाँ ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश है, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा चुलबुले पर्सन आपको मानते हैं, और ये खुद भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत हंसमुख हो, कभी भी आप दोनों के बीच में बातें होती होंगी तो आप इनको बहुत ज़्यादा हंसाते होंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को पसंद आता होगा आपका। ठीक है, जिस तरीके से आपका जो चाइल्डिश नेचर है वो तो और भी बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, चाहे आपका एज कुछ भी हो, चाहे सेकेंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, या ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ भी हो, चाहे सिंगल मिंगल जो भी हो। ठीक है, आपके ये जो पर्सन है या फिर क्रश भी है तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन मानते हैं, दिल से एकदम प्योर, एकदम साफ पर्सन ये मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ ये पर्सन आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं ज़िंदगी भर, और ये पर्सन जो है ना आपसे ही शादी करना चाहते हैं। कार्ड आ चुका है एंड यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर है कि ये चाहते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो साथ साथ ग्रो हो, हम प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ अच्छा करें, हम लव लाइफ में भी कुछ अच्छा करें, तो तुम हो मेरे साथ रहो, कोई और ना हो। ठीक है, मुझे किसी और के साथ अपना रिलेशन नहीं बनाना, मुझे किसी और के साथ अपने लव लाइफ को बिल्डअप नहीं करना है, मुझे जो भी करना है तुम्हारे साथ ही करना है, ये चीज़ आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपने कोई ऐसा पिक्चर लगाया है जो कि गाउन में हो सकता है, ड्रेसेस में हो सकता है, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस होगा, और उस ड्रेस में आप बहुत ही ज़्यादा इनको एकदम एक फेरी की तरह, एक एंजल, एक क्वीन और एक प्रिंसेस की तरह लगते हो। ठीक है, आपके पिक्चर को वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हुआ तो कभी आप इन फ्यूचर जाओगे उनके सामने बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर, ठीक है, बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह,
ठीक है, जब किसी की शादी होती है तो वो कितने ब्यूटीफुल तरीके से फ्रॉक गाउन पहनती है, तो एग्जैक्टली कभी वैसे आप पहन के जाते हो, वो भी इनके फेवरेट कलर लाइक स्काई ब्लू, येलो, गोल्डन, ठीक है, वाइट, ग्रीन, तो आपके पर्सन जो है आपको देख कर पूरी तरह फ्लैट हो जाएंगे, फिदा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत क्वालिटीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपको एकदम एक बच्चे की तरह, ठीक है, एक बच्चे की तरह ही देखते हैं, चाइल्डिश नेचर आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखते हैं। कभी झगड़ा होता है तो वैसे भी बहुत झगड़ा करते हो आप, एकदम सख्त करते हो, हाई लेवल का, ठीक है, झगड़ा भी उसी लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का करते हो, ठीक है, तो हर एक चीज़ें इनको अच्छी भी लगती हैं, कभी बहुत ओवर होता है तो गुस्सा भी आता है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही सोच के देखिए, आप किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ठीक है, और आपके ऊपर हमेशा बार बार वो इंसान शक कर रहा है, आप प्रूफ भी दे रहे हो तब भी वो शक कर रहा है, तो फिर आपका गुस्सा एकदम बहुत ज़्यादा अपार हो जाएगा, है ना, तो एग्जैक्टली हो सकता है कभी कभी ऐसा होता होगा आप दोनों के बीच में, लेकिन सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता होगा क्योंकि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपके साथ ड्रीम देख लिया है, ठीक है, तो ये चीज़ है, इसी वजह से ये पर्सन जो है बहुत शांत हो गए हैं आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर। उसके बाद मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आगे आने वाले 3 महीने के अंदर ऐसा हो सकता है कि वो आपको वेडिंग प्रपोजल भी दे सकते हैं, जिसको सोच रहे हो आप अपने मन में। अगर वेडिंग प्रपोजल ना हुआ, अगर रिलेशनशिप में नहीं हो, तो हो सकता है कि वो आपको रिलेशनशिप के लिए प्रपोज ज़रूर करें, ठीक है, तो ये चांसेस है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब से आप इनके लाइफ में आए हो, ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे आने की वजह से मेरे लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई हैं, इन्जॉयमेंट आया है, मतलब तुमने मेरे लाइफ में आके फन, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट को ऐड कर दिया है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं अपने लाइफ में, इन्होंने लाइफ को अच्छा जिया है, स्मूथली जीते चले आ रहे थे, लेकिन जब से आपकी एंट्री हुई है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको खुशियाँ अपने लाइफ में मिलने लगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी अभी ना हुई हो, तो हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो जाए, ऐसा भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और शादी अगर होगी भी तो बहुत अच्छा होगा, मैरिड लाइफ कैसा होगा वो तो मैं रीडिंग बना ही दूंगी आपके लिए, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है। इनको क्लियरली ऐसा लगता है कि आप एकदम ऐसे पर्सन हो जिससे शादी की जा सकती है, आपके साथ कोई टाइम पास नहीं, ठीक है, तो एकदम शादी मटेरियल आप इस पर्सन को लगते हो। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है कि इनको ऐसा लगता होगा कि आप जो है दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, मतलब अपने लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लेते हो और दूसरों की बहुत हेल्प करते हो। ऐसा इन्होंने अपने आँख से देखा होगा कि आप जो है गरीब बच्चों की या फिर गरीबों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, पैसे निकाल कर दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपके ऊपर फ्लैट हो चुके हैं, इम्प्रेस हो चुके हैं, ठीक है। आप पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा हो, ये भी इनको अच्छा लगता है कि आपका जो प्रोफेशन जो भी है ना, वो भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप काफ़ी टैलेंटेड इनको लगते हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब से आप इनके लाइफ में आए हो ना, आप इनको बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें सिखाए हो कि अपने लाइफ में प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पर्सन नॉलेजेबल नहीं होंगे, टैलेंटेड नहीं होंगे या फिर सीनियर नहीं होंगे, हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी जब इंसान की लाइफ में खुद प्रॉब्लम आता है तो वो समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो हमेशा से ये चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि मुझे हर एक टाइम सपोर्ट करे, तो आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा उस वक्त सपोर्ट किया है जब ये पर्सन अनेबल थे, अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, तो आपने बहुत ज़्यादा इनको उस प्रॉब्लम से निकाला है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट इज्जत बहुत करते हैं, उस टाइम से, उस दिन से, जिस दिन से आपने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस पर्सन को, प्यार किया, समझा, उस दिन से इस पर्सन के मन में जो रिस्पेक्ट है आपको लेकर, जो वैल्यू है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो आप इस पर्सन को, इस पर्सन के नज़र में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जो है ना एकदम थोड़े से सिक्रेटिव तो लगते हो, कुछ लोगों के पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने कोई ऐसी बातें छिपाई हैं या फिर कुछ थोड़ा बहुत आप दिखावा करते हो, प्रिटेंड करते हो किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अकेले हैं, रो रहे हैं, लेकिन आप जो है ना फैमिली इशू की वजह से हो गया परेशान, लेकिन आपने कभी उसको बताया नहीं, तो नहीं बताया तो ये ना आपके बातों से, आपके रोने के तरीके से या फिर आपके आवाज़ से समझ लेते होंगे कि कहीं ना कोई कुछ आप छिपा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे हो, कुछ सिक्रेटिव एनर्जी में हो। और किसी तीसरे पर्सन से कभी पता चलता होगा तो इनको दुख होता होगा, मतलब वो कहते होंगे कि जब मैं तुम्हें अपने सारे प्रॉब्लम्स को बता सकता हूँ, बता सकती हूँ, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, तो तुम क्यों नहीं बता सकती हो,
तुम क्यों नहीं बता सकते हो। तो ऐसे ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी आप इनको परेशान नहीं करने के लिए अपनी सारी बातें नहीं बताते होगे, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, चाहे अच्छा टाइम हो, अच्छा ठीक है ये कहना चाहते हैं कि अगर अच्छा टाइम ना हो ठीक है तो उसमें तुम मुझे हमेशा ज़रूर इंक्लूड करो। तुम्हारा अच्छा टाइम हो, खुशियों भरा टाइम हो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी या नहीं बताओगे तो चलेगा, लेकिन कभी परेशान रहो तो उस वक्त मुझे ज़रूर याद करो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना थोड़ा सा एफर्ट दिखाऊँ, ठीक है। ये चीज़ है, तो आपके पर्सन हमेशा ये कहते होंगे कि तुम्हें कभी कोई कॉल मैसेजेस करने के लिए मना किया है क्या? तुम हमेशा कॉल कर सकती हो, मैसेजेस कर सकते हो, ऐसे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। तो एक चीज़ है कि आपके जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप सिक्योरिटी बहुत हो, अपनी कुछ बातें तो ज़रूर छिपाते हैं, या फिर हो सकता है कि पास्ट के बारे में आप कोई बातें ऐसी हैं आपके मन में चलती हैं, ठीक है, या पास्ट को लेकर आप परेशान रहते हो, ये इनको फील होता है और ये चाहते हैं कि पास्ट वास्ट को आप भूल के, सब कुछ भूल के इनके साथ स्टार्ट करो, एक नया शुरुआत करो, ठीक है। और कोई भी अगर मन में टेंशन है, तनाव है, तो ये चाहते हैं छिपाओ ना, कोई सिक्रेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा केयरफुल लगते हो, ठीक है, आप हो सकता है एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो, ठीक है, इनको कभी कभी मूर्ख बना देते हो, बेवकूफ़ बना देते हो, वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद बोलते हैं, आप बताते हो कि मैं तो झूठ बोल रही थी, मैं तो झूठ बोल रहा था, तो फिर ये सॉफ्ट हो जाते होंगे। मतलब इससे ये पता चलता है कि ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी लगते हो। अगर कोई झूठ अगर बहुत एक्टिंग करके या बना के आप बोल भी दोगे, कोई बहुत बड़ा झूठ भी, तो ये शायद आपके ऊपर विश्वास कर लेंगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और आपको ऐसा भी सोचते हैं कि आप बहुत पैशनेट पर्सन हो, कोई काम को करते हो तो पूरी इच्छा के साथ करते हो, जैसे कि जब आप इनको प्यार किए हो, सपोर्ट किए हो, समझते हो, इनकी बातें सुनते हो, तो इनको ऐसा लगता है ना कि काफ़ी ध्यान से, बहुत केयरफुल होके और एक गुड लिसनर बन के आप इनको सुन रहे हो। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कि बहुत बोरिंग सा फील करने लगते हैं, लेकिन इनको ऐसा पता है कि आप कभी भी बोर नहीं होते हैं उनसे, ठीक है। तो ये चीज़ इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, कंपैशनेट पर्सन हो, मतलब आप दयालु पर्सन हो, और आप रिस्पेक्टेड पर्सन हो। ऐसा हो सकता है समाज में आपका बहुत रिस्पेक्ट हो, आपको बहुत प्यार मिलता हो, उसके साथ साथ आप अपने फैमिली से, अपने रूट से कनेक्टेड हो, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को फॉलो करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के वेस्टर्न कल्चर अपना लिए, ठीक है, और बिल्कुल उल्टा सीधा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एकदम एक टाइम पे चलने वाले कल्चर्ड पर्सन हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। आपका दिल भी बहुत खुला है, आप एकदम ओपन हार्टेड पर्सन हो, ये भी इनके दिल को जीत लेता है। आप दिमाग से और दिल से दोनों चीज़ों से चलते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिमाग से चल रहे हो, बहुत ओवर प्रैक्टिकल हो, ऐसा नहीं है। आप काफ़ी प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल, रिस्पॉन्सिबल और जेनरस पर्सन भी इसको लगते होंगे, आपके दिमाग में जो चल रहे पर्सन है इस तरह की चीज़ें आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। और हमेशा आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एडवाइसेस दिया है, और हमेशा जो भी एडवाइस दिया है इन्होंने उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और इनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिला। तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए लकी भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। आप इनको एक गुड एडवाइसर लगते हो, आप चैरिटी करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, मदद करते हो, हो सकता है चैरिटी करते वक्त या फिर कोई भी ऐसा कुछ वीडियो आपका इन्होंने देखा है, तो ये भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आप इनके लाइफ में एक स्पिरिचुअल टीचर जैसा हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्यार है, बल्कि ऐसा हो सकता है कि आप एक टीचर की तरह हो इनको, जो कि बहुत समझते हो, आपसे ये छोटे हो सकते हैं, ठीक है, ये चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ है कि ये पर्सन आपके साथ होकर अपनी सेल्फ डिस्कवरी फील कर पाए हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा शांति सा फील होता है, उसके बाद इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा इनके लिए स्टैंड लोगे, ठीक है। और एक कमी वही है कि चाहते हैं कि कभी भी आप सिक्योरिटी पर्सन ना बनो। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ड्रीम हो, कोई गोल हो, कोई सपना हो और आप पूरा करना चाहते हो, आपके मन में ये इनसिक्योरिटी होगा कि अगर पूरा हुआ नहीं और मैं सबको बता दूंगी तो मेरी रिजल्ट होगी। लेकिन ये चाहते हैं ना कि आप इनके साथ एकदम एक फैमिली मेम्बर जैसा रहो, अगर कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो तो हर एक चीज़ इनके साथ डिस्कस करो, ये चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेटली अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, और आप मानते हो या नहीं ये चाहते हैं कि मानना शुरू कर दो। उसके साथ साथ आप इस पर्सन को एक ड्रीमर लगते हो, इनको पूरी तरह पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं और आपने बहुत सारे इस पर्सन के साथ सपने देख लिए हैं, ठीक है। ये भी चीज़ इनको पसंद आता है। और क्या देखते हैं आपके अंदर, मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन रिलीज़, ओके। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों साथ तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट की ऐसी एनर्जी रही है, या तो इन्होंने कुछ झूठ बोला है,
या फिर इन्होंने कोई धोखा, बहुत बड़ा धोखा दे दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको झूठ बोले हो, कोई धोखा दिए हो, या फिर ये पर्सन हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप इनसे सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और ये चाहते हैं कि आप सारी बातों को, पुरानी चीज़ों को भूल के, ठीक है, एंड करो उस फेस को, उस सिचुएशन को और आगे बढ़ो। ये कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ो, बी टाइम टू मूव ऑन, लेकिन अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि मैंने जो झूठ बोला है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे हाथ जोड़ के, लेकिन अब मुझे मुझे ऐसा कोई गलती नहीं करना है, मुझे इम्प्रूवमेंट करना है इस रिलेशन में, ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो इस पर्सन से अभी के टाइम में, ठीक है। देखते हैं कि और ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, फिर मैं और भी पॉइंट्स जो हैं वो सब कुछ क्लियर कर दूंगी। ओके, ट्रुथ। सबसे पहले बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद इन्होंने आपसे सच बोला हो या ना बोला हो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सच्चे एंड ट्रू पर्सन लगते हो, ट्रुथफुल पर्सन लगते हो, ठीक है। ये पर्सन इसीलिए तो आपके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, ठीक है। आपके होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लगती है, ऐसा हो सकता है कि आप हर एक टाइम पॉजिटिव रहते हो, ठीक है। आपकी इस पॉजिटिविटी को देखकर शायद ये भी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इनके मन में होप आ जाता है। तो ये चीज़ है कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो सच बोलने का तरीका है, ये सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। दूसरी बात यहाँ पे है रिलैक्सेशन का कार्ड। तो जब भी आपके साथ होते हैं या फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितने भी अगर आप बात कर लिए ना, तो इनका एकदम वो दिन बहुत अच्छा जाता है, ये पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं, कम से कम उस दिन के लिए तो पूरी तरह ये रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में एक एंजल की तरह ही हो, ठीक है। उसके साथ साथ ये पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनोसेंस देखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा इनोसेंट इंसान मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा, ठीक है। तो आपके अंदर जो इनोसेंस है वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। आप अपने लाइफ में जो है सेक्रीफाइस भी कर लेते हो किसी और के लिए, अपने प्यार के लिए, तो ये भी इनको पसंद आता है। लेकिन ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स या सपने ख़राब हो जाएं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप हमेशा अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, ठीक है। और क्या है देख लेते हैं, ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है, जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए ये पर्सन हो सकता है प्रेयर कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन फिर से आपको अपने लाइफ में चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके होने के वजह से बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं और इसी वजह से हो सकता है थैंकफुल है, भगवान को थैंक्स बोल रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिलीजियस लगते होगे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते होगे, ठीक है। या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में, भगवान में बिलीव रखते होगे, ये भी इनको अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन को, कल्चर को, ट्रेडिशनल को फॉलो करते हो, तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल कोई ऐसा, मतलब बहुत लोग तो ऐसे नहीं बचे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, लेकिन आप फॉलो करते हैं तो ये इनको पसंद है, ठीक है। उसके बाद क्या है देख लेते हैं, मे बी कास्ट में डिफरेंस हो या कुछ भी डिफरेंस हो, लेकिन फिर भी ये रिस्पेक्ट आपकी बहुत करते हैं। वेटिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कभी भी आप जो है ना इस पर्सन से मूव ऑन नहीं करते हो, जैसे डायरेक्टली आपने कभी भी सामने से ये नहीं बोला होगा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप जिसके लिए देख रहे हो उन्होंने बहुत बार बोला है, लेकिन आपने कभी नहीं बोला। तो जब आपने कभी नहीं बोला है तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद आता है कि वो सोचते हैं, इनको अफसोस भी होता है कि मैंने कितने बार इस पर्सन को ऐसे बोला लेकिन इस पर्सन ने मुझे कभी भी छोड़ के जाने की बात नहीं की, और अफसोस भी होता है और बहुत प्राउड भी फील करते हैं कि देखो इतनी अच्छी पर्सन मुझे मिली है, इतना अच्छा इंसान मुझे मिला है, ठीक है। और आप हमेशा इस पर्सन के कॉल का, मैसेजेस का इंतज़ार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा रूड नहीं होते हैं, आप समझते हो, तो ये भी इनको अच्छा लगता है। और क्या है देख लेते हैं, दिस वन सपोर्ट का कार्ड है। सो हो सकता है कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, हो सकता है कि कभी भी किसी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जितना आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया है। हो सकता है कि उस टाइम आप लोग फ्रेंडशिप में रहे होंगे और उस फ्रेंडशिप रिलेशन को आपने बहुत अच्छे से निभाया, ठीक है। तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत सपोर्टिव पर्सन हो। जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं ना तो रीएनर्जाइज हो जाते हैं, जब भी ये किसी हेल्प की बात करते हैं तो आप इनकी हेल्प करते ही हो, ठीक है। तो आप इनके लाइफ में ना एक हीलर जैसे आए हो, एक मिरेकल जैसे आए हो, एक ब्लेसिंग्स की तरह इनके लाइफ में आप इंटर किए हो,
और इसी वजह से ये कभी भी आपसे दूर नहीं होना चाहते, अपना कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं ख़त्म करना चाहते, तो थोड़ी बहुत अपने स्वार्थ भी यहाँ पे ये पर्सन दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका प्यार करना हो गया, आपका सपोर्ट हो गया, आपका ब्लेसिंग्स की तरह इनके लाइफ में आना हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, अबंडेंस हो गया, तो जिस तरीके से ऐसे आप इनके लाइफ में इंटर किए हो ना, तो ये पर्सन आपको एकदम नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके लाइफ में ना मतलब ऐसा थोड़ा बहुत इनके पीछे थोड़ा स्वार्थ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं आपको, बल्कि ये पर्सन आपके इनोसेंस को देखकर, पॉजिटिविटी, खुशियों को देखकर, आपके प्यार को देखकर पागल हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में हमेशा रहो। ठीक है, देखते हैं ट्रू इंटेंशन इस पर्सन का क्या है, फिर मैं आपको 5D मैसेज भी बताऊंगी यूनिवर्स क्यों मिलवाए हैं आप लोगों को। ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के पर्सन का उनके लिए। ट्रू इंटेंशन सबसे पहला, दिस वन, ऑल राइट, सबसे पहला कार्ड है। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पर्सन इसलिए आपके लाइफ में इंटर किए होंगे, जब शुरुआत हुई होगी तो आपने बहुत अपना प्यार दिखाया होगा, बहुत सपोर्ट दिखाया होगा, और शायद उस वक्त ना इसको कभी इतना प्यार नहीं मिला होगा, सपोर्ट नहीं मिला होगा, मतलब ऐसा सोचे होंगे कि ओ माई गॉड ये तो जैकपॉट हो गया, मतलब मेरे हाथ में इतना अच्छा इंसान लग गया। ठीक है, तो मतलब ये कभी भी जब आपसे शुरुआत की है, रिलेशन की शुरुआत की है आपके साथ, या बात करने की शुरुआत की है, तो कभी भी मतलब सीरियस होके नहीं किए होंगे, ये बस ऐसा सोचे होंगे कि चलो मुझे कोई मिल गया जिसके साथ मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लूँ, उससे बात कर लूँ। ठीक है, लेकिन धीरे 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 साथ में रहते रहते ये आपके लिए फील करना शुरू कर दिए, और एक टाइम ऐसा आ गया, मतलब अभी का ऐसा टाइम है कि ये आपके साथ अपना पूरा पर्पस सोच रहे हैं, लाइफ का पर्पस, आपके साथ बसना, ठीक है, आपके साथ अपने आप को स्टैब्लिश करना, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि शुरुआत में जब भी ये आपसे बातें की हैं तो कोई इनका प्योर इंटेंशन नहीं रहा होगा कि मैं इससे शादी ही कर लूँ, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में ही आ जाऊँ। ठीक है, और नॉर्मल सी बातें, कोई भी एकदम फर्स्ट टाइम में तो ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में ही आ जाऊँ। ठीक है, पहले उसको देखेगा, जांचेगा, परखेगा, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शुरुआत जो है हो सकता है कि इंटेंशन इनका प्योर नहीं रहा होगा। ठीक है, काफ़ी नॉर्मल इंटेंशन से ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर किए थे, क्योंकि आप खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, और बातें बहुत अच्छे से करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, तो इसलिए सोचते होंगे कि कोई इतना प्यार नहीं किया, और जो इंसान इतना प्यार कर रहा है मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, तो ये इनका इंटेंशन था। ठीक है, इसी वजह से इंटर किए, लेकिन अब चेंजेस हुआ है, और देखते हैं कि क्या सोचते हैं ये पर्सन। अबंडेंस, ठीक है, कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे, समाज में आपका काफ़ी रिस्पेक्ट हो सकता है, सब कुछ होगा, इस वजह से भी ये पर्सन सोचते हैं कि देखो ये बहुत अच्छी पर्सन है, ये बहुत अच्छा पर्सन है, और मुझे ऐसे ही पर्सन चाहिए थे। ठीक है, तो इनके बहुत सारे ड्रीम्स रहे होंगे, और जो भी इनका क्राइटेरिया रहा है सोलमेट का या पार्टनर का, उसमें आप एकदम फिट बैठते हो, इसी वजह से ये जो पर्सन है आपके तरफ और भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। देन है यहाँ पे सोलमेट का कार्ड, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि इनका इंटेंशन तो ये क्लियर है, इतना तो बिल्कुल पता चल चुका है कि ये जो पर्सन है आपको अपना सोलमेट मानते हैं, शुरुआत चाहे कैसे भी हुई हो, लेकिन अब बीच में आकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, आपसे हो सकता है बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। देख लेते हैं क्या है। डिवाइन मैस्कुलिन, ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ठीक है, और ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर देना चाहते हैं, पहले क्या था कि बस टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पोसेसिव हैं, कभी किसी और के साथ आपको देखते हैं तो गुस्सा आ जाता है इनके मन में, तो ये चीज़ है। ऑलराइट, और क्या है, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, ट्रू लव। तो इंटेंशन की बात यहाँ पे की जा रही थी, इंटेंशन के लिए मैं स्पेशली कार्ड ले रही थी, तो आप देख सकते हो कि इंटेंशन कितना प्योर है, यहाँ पे लव का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सन है क्लियर है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, और इस प्यार को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है, प्यार तो है लेकिन इसको और भी स्ट्रांग बनाया जा सकता है, इस बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रांग बनाया जा सकता है। ठीक है, सोलमेट भी हो आप लोग, लेकिन बहुत हाइयर लेवल के नहीं हो। ठीक है, और हाइयर लेवल के हो जाओगे, क्या है 5D मैसेज वो भी मैं आपको बताऊंगी, और देख लेते हैं। एंड यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आ चुका है, इट मीन्स कि हो सकता है आगे आने वाले कुछ महीने लगे, टाइम लगे, लेकिन हाँ ये कमिटमेंट ज़रूर देंगे, ये सोचते ज़रूर है कमिटमेंट का। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या नहीं, मेरे साथ हमेशा रहेंगे या नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यस, ये एकदम सोच रहे हैं कमिटमेंट का। हो सकता है कि अभी आपसे डिस्कस नहीं किया हो, लेकिन सोचते तो है। ठीक है,
अब सोचने वाली बात है ना कि किसी के साथ रिलेशनशिप में है, इतने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कमिटमेंट तो चाहेगा कोई भी सामने वाला पर्सन, तो ये सोचते हैं, ठीक है, या आपके बारे में भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि कब साथ होंगे, ये वो, तो ये भी हो सकता है कुछ इशू वगैरह हो, सॉल्व करेंगे उसके बाद ये कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। उसके बाद दो कार्ड और हैं, तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सबसे पहली बात आपके साथ बहुत ज़्यादा ये पर्सन मैच्योर हुए हैं, ठीक है, फिर से मैच्योरिटी का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कभी भी कोई रिलेशन में रहे होंगे ना, तो इनको तो कभी समझ में भी नहीं आया होगा कि प्यार व्यार होता क्या है, तो आपने इस पर्सन को सिखाया है कि क्या होता है प्यार, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा बनाया है, ठीक है। कभी कुछ झगड़ा होता है तो कभी भी पहले पास्ट के रिलेशन में रहे होंगे तो कभी भी उसकी पर्सन जो है इसको मनाने नहीं आती होगी, हमेशा यही चाहते होंगे, लेकिन इस रिलेशनशिप में आप इनको मनाते हो, आप इनको प्यार करते हो, आप इनको समझते हो, ठीक है, तो आप इनके लिए बहुत प्रीसियस हो, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुके हो, बन चुके हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम फर्स्ट डे से ही आप वैल्यूएबल हो, लेकिन हाँ, अब इस मोड़ पे, जिस मोड़ पे आप लोग खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आप इस पर्सन के लिए बहुत वैल्यूएबल हो, और डेफिनेटली ये पर्सन तो आपके लिए वैल्यूएबल है ही। अब मैं आपको बताऊँगी कि यूनिवर्स आपके लिए क्या चाहता है, यूनिवर्स का क्या प्लानिंग है, ठीक है। 5D मैसेज, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके दिस वन रिस्ट, ओके दिस वन, एंड और क्या है देख लेते हैं। द टेम्पल पाथ, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यिन यांग की एनर्जी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है बहुत सारे लोगों का, एंड एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आ चुका है, मतलब ये क्लियर हो चुका है कि आपका ये जो रिलेशन है ना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा, आगे इसके फ्यूचर है, ठीक है, उसके साथ साथ बहुत रोमांटिक होगा, आप दोनों के बीच में हर एक तरह का कनेक्शन होगा, फिजिकल कनेक्शन भी होगा आगे आने वाले टाइम में, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आगे भी होगा, आप लोग मिलोगे, टाइम स्पेंड करोगे साथ में, ठीक है। उसके बाद हर एक तरीके से इस पर्सन से आप जुड़ जाओगे, एंड देन है यहाँ पे कम्युनिटी। देखिए, शादी होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि शादी हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी, देखिए एक तो क्लियर हो गया कि क्या है यूनिवर्स का मैसेज, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, क्यों मिलवाया, इसलिए मिलवाया क्योंकि मिलना तो था ही, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, 60% लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और यहाँ पे 40% लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी है, दो दो बार एक कार्ड यहाँ पे सोलमेट का आया, एक कार्ड यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 60% है ट्विन फ्लेम, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या इंटेंशन आपका है, आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोचते हो, क्या फील करते हो। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 7 of Wands की एनर्जी है दिस वन। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो एकदम कुछ भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं, फाइट नहीं कर रहे हैं, क्या ये आगे आने वाले टाइम में फ़ाइट करेंगे या नहीं करेंगे इस रिलेशन के लिए, क्या ये मुझे कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है रिलीजन कास्ट में डिफरेंस हो, तो और भी कन्फ्यूजन आपके मन में रहता होगा, तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जब ये पर्सन थोड़ा सा फाइनेंशली सिक्योर हो गए ना, तो फिर ये पर्सन कुछ भी करेंगे। उसके बाद और क्या सोचते हो, तो यहाँ पे थोड़े से घमंडी वगैरह भी आपको लगते होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घमंड वगैरह नहीं है, ये तो बहुत डाउन टू अर्थ है। दूसरी बात, द मून की एनर्जी, आपको ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई और है, आपको ऐसा लगता है कि किसी और से भी बातें करते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि पास्ट के टाइम में आप दोनों के बीच में हुआ हो, ठीक है, ये भटक गए हो, लेकिन अब तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि फ्यूचर तो बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है आप दोनों का। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी अनकही बातें क्या हैं, जो कि आपको वो अभी के अभी बोलना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, क्या है इनकी करेंट फीलिंग, क्या है इनकी अनकही बातें। आई चूज़ टू बी विथ यू, ठीक है, तो ये हमेशा ऐसा कहना चाहते हैं। हो सकता है कि पर्सन मैरिड हो, आप भी मैरिड हो, ठीक है, किसी और के साथ, ना कि एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके साथ ही, आपको चूज़ करते हैं आपके साथ होना, ये इनकी थिंकिंग है, ये इनका फीलिंग है। और क्या है देख लेते हैं। ओके, आई रियली हैवन्ट बीन हैप्पी विदाउट यू, तो ये कहना चाहते हैं ना कि तुम जब मुझे छोड़ के चली गई या छोड़ के चले गए, ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि मैं कभी खुश नहीं था तुम्हारे बिना, ये इनका है, ठीक है, कहना। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। और मैं कभी खुश रहता भी नहीं हूँ तुम्हारे बिना, आई स्टिल नॉट ओवर। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज़ है कि कभी भी ये पर्सन जो है, आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो उस सारी चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी नहीं भूलते हैं,
ठीक है, हो सकता है हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है दिनों के बीच में, तो वो ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि मैं अभी भी उस चीज़ को नहीं भुलाऊँ, मैं याद करता हूँ, ठीक है, मैं याद करती हूँ। उसके बाद मतलब ये चाहते हैं कि आप और भी एफर्ट लगाएं। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। ये तो एकदम क्लियर है, मैंने आपको पहले बता दिया कि पर्सन फील करते हैं कि आप इनके अदर हाफ हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। और क्या कहना चाहते हैं, फोर कार्ड्स देख लेते हैं। दिस वन सबसे पहले यहाँ पे है आपके लिए, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आर कनेक्शन। ये कहना चाहते हैं कि अब मैं समझने लगा हूँ कि हमारे बीच में क्या कनेक्शन है, तुम कैसी हो, मैं कैसा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, तुम क्या चाहती हो। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक्ड अवे फ्रॉम यू। तो हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपको ब्लॉक कर दिया था, तो ये कहना चाहते हैं ना कि इसके लिए मैं डीपली आपको सॉरी कह रहा हूँ, टेरेबली आई एम सॉरी, आई एम ऑफली सॉरी कि मैं तुमसे मुंह मोड़ के आगे बढ़ गया था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं, इसलिए पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। एंड लास्ट वन इज़ दिस वन, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। तो कल रात जो है ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे थे, और आज रात भी ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी इनकी करंट फीलिंग चल रही है, अनकही बातें हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया है। फैमिली मेंबर तो पक्का बन जाइए, क्योंकि इतनी डिटेल रीडिंग मैं लेकर आपके लिए आती हूँ, तो अपना छोटा सा एफर्ट आप दिखा सकते हैं। ओके सर, चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।